अल्लाकम स्टूडेंट टोडे द टॉपिक ऑफ प्रजेंटेशन इज़ न्यूरोन्स और नर्व सेल्स वट आर एक्चुअली द न्यूरो एंड नर्व सेल्स दे आर एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेंट्रल नर्वे सिस्टम इज़ यू नो र कम ओवर बॉडी इज़ कम्पलेक्स जितने भी मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी हमेशा कंप्लेक्स होती है और कंप्लेक्स बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं टिशूज़ होते हैं टिशूज़ पर जो है वो ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम बन जाता है ठीक है तो जितने भी सिस्टम्स हैं चाहे वो रिस्पायरेट्री है एक्सक्रीटरी है डाइजेस्टिव है तो सिस्टम हमेशा अपने बिल्डिंग ब्लॉक से बनते हैं ठीक है ठीके? तो जो बिल्डिंग ब्लॉक है नर्वस सिस्टम का वो आपके पास है न्यूरॉन्स जिसको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये वो स्पेशलाइज सेल्स हैं दे ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मीन्स ये नर्व इम्पल्स यानी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ करंट इलेक्ट्रिक करंट ठीक है बॉडी से इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से इन्फॉर्मेशन जो है वो बॉडी की तरफ आता है ये न्यूरोन्स का जो है वो फंक्शन है अब बेसिकली आपके पास जो सी एन एस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपके पास दो कंपोनर्स आते हैं एक है ब्रेन दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर दे आर फॉर्म दे नोन एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकॉज दे फॉर्म द सेंट्रल मेन सिस्टम ऑफ द बॉडी ठीक है तो नियरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अबाउट एटी सिक्स बिलियन जो है वो न्यूरोस होते हैं एंड दे आर वर्किंग टुगेदर विद कम्युनिकेशन ऑफ विद कम्युनिकेशन एंड विद बॉडी ठीक है ये बॉडी के साथ कम्युनिकेशन में काम करते हैं यानी कि बॉडी से इन्फॉमेशन ब्रेन तक लेकर जाएंगे या स्पाइनल कोड को वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस या इंटीग्रेट होगा ठीक है और वो इंफॉर्मेशन जो है वो वापस बॉडी की तरफ आते हैं ठीक है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी थिंग फ्रॉम थोट्स पेन हंगर एट्सट्रा आपके जो न्यूरो हैं इनका काम होता है कि वो बॉडी की इंफॉर्मेशन को ब्रेन या स्पाइनल कोड तक लेकर जाए और उन इंफॉर्मेशन को फिर ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर इंटीग्रेट करें ठीक है क्योंकि आपके जो न्यूरोस होते हैं वो सिर्फ आपकी बॉडी में नहीं बल्कि आपका ब्रेन और आपके स्पाइनल कोड उसमें भी न्यूरोस होते हैं और उनका काम क्या है टोट परसप्शन पेन परसैप्शन हंगर परसेप्शन ये सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं ठीक है तो अगर हम एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पाइनल कोड है आपके पास ब्रेन है अगर इसका छोटा सा पोर्शन निकाल कर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और एक टिपिकल न्यूरॉन जो होता है उसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से होगा तो टिपिकली एक न्यूरोन जो होता है वो साइज और शेप में वेरी करता है लेकिन जितने भी बॉडी के अंदर होते हैं उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है जो वो शेयर करते हैं यानी कि सारे न्यूरॉन्स का वो बेसिक शेप होगा डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ये अपने साइज और शेप में वेरी कर सकते हैं लेकिन जितने भी आपके पास न्यूरॉन्स हैं बेसिकली वो थ्री कंपोनेंट्स के ऊपर जो इनका स्ट्रक्चर जो है वो कंपोस्ट है फर्स्ट वन इज द सेल बॉडी द डेंड्राइट एंड द एग्जोन टुगेदर दे फॉर्म अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरोन सो फर्स्ट यू विल डिस्कस अबाउट द सेल बॉडी सेल बॉडी को हम न्यूरो सेल बॉडी भी कह सकते हैं एंड अनदर नेम फॉर द सेल बॉडी इज सोमा बायोलॉजिकल टर्म फॉर द बॉडी इज सोमा सो एंड सिंपल वर्ड्स वी कॉल सेल बॉडी एज सोमा सेल बॉडी लिखा हुआ है तो सेल जैसा एक टिपिकल बॉडी सेल होता है ठीक है तो सिमिलरली ये जो सेल बॉडी है दिस पोर्शन ऑफ द न्यूरोन ये जो पूरा पोर्शन है ठीक है यहाँ से लेकर ये पूरा इसको हम कहते हैं सेल बॉडी ठीक है तो इसका भी शेप बिल्कुल सेम जो है वो आम जो कॉमन सेल्स होते हैं बॉडी के जिसके जो बॉडी को कंपोज करते हैं उसी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है ठीक है इट कंटेंस सेल मेम्ब्रेन एंड ग्रेनुलर साइटोप्लाजम व्हाई इट कंटेंस ग्रेनुलर साइटोप्लाजम बिकॉज इट कंटेंस ग्रेन्यूल्स ये जो सेल बॉडी है ये कवर्ड है सेल मेम्ब्रेन से इसके इर्द गिर्द क्या है सेल मेमब्रेन विदन द सेल मेमब्रेन इन द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ पोर्शन नोन एज अ ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म इनका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं जिसकी वजह से इसको ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म कहा जाता है प्लस इट हैज़ अ सेंट्रल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस विद न्यूक्लियोलस ठीक है सेंटर में आपको न्यूक्लियस नजर आएगा और न्यूक्लियोलस इसके अलावा जिस तरह से सेल्स में ऑर्गेनलीज होते हैं सिमिलरली सेल बॉडी के अंदर भी ऑर्गेनलीज होते हैं ठीक है कौन कौन से ऑर्गेनलीज होते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स माइटोकोन्ड्रिया रफ एंडोप्लाज्म के रेक्टोग्राम ठीक है एट इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ जो है वो सेल बॉडी के अंदर होती है जो आपको किसी भी बॉडी सेल्स में नजर आएंगी जितने भी आपकी बॉडी के सेल्स हैं उनमें आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी स्पेसिफाइड टाइप ऑफ अस्ट्रक्चर ग्रेन्यूल विच आर फाउंड इन द सेल बॉडी दीज ग्रेन्यूल्स आर नोन एज नेजल्स ग्रेन्यूल्स नेजल्स इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ आफ्टर द नेम ऑफ अ फ्रांस नेजल्स विच वॉज अ जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट हु डिस्कवर दीज ग्रेन्यूल्स ठीक है नेजल्स ग्रेन्यूल क्या है एक्चुअली इट इज अ कलेक्शन और इट इज अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एट रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम टुगेदर दे नोन एज अजल ग्रेन्यूल जिस से आप लोग के सेल्स में जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो जो है uh, सेल मेम्ब्रेन के एक पार्ट से लेकर न्यूक्लियस तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो है वो अटैच होता है ठीक है लेकिन ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और जो राइबोसोम्स है वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आपको नजर आएंगे जिसको हम कहते हैं नेजस ग्रेन्यूल्स अब ये कॉमन ऑब्जर्वेशन के जहाँ पर राइबोसोम्स हो और उसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो तो इट मीन्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस तो आपके पास जो नेजस ग्रेन्यूल्स हैं देयर फंक्शन इज टू सेंथिसाइज प्रोटींस फॉर द सेल बॉडी बिकॉज इट इज़ अ सेल इट परफॉर्म इट फंड नो इट नीड्स प्रोटीन इसके अलावा आपको सेल बॉडी के अंदर और स्पेशलाइज और स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे विच आर नाउन इज द न्यूरोब्रिल्स फेब्रिल्स जहाँ पर आए तो या तो ये फाइबर्स को कहते हैं या फिर ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स के लिए दूसरा नाम है ठीक है माइक्रो ट्यूब्यूल्स सो ये चूंकि uh, नर्व्स के अंदर मौजूद है नर्व के सेल बॉडी के अंदर मौजूद इसके साथ हम न्यूरो लगाएंगे तो न्यूरो फेबरिज्म का मतलब है न्यूरो ट्यूब्यूल्स न्यूरो ट्यूब्यूल्स जो है अगर आपको आ, पता हो तो ट्यूब्यूल जो होते हैं ये स्पेसिफाइट टाइप ऑफ साइटोस्कल्टन है जिनका काम क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटांस विद इन द सेल ठीक है तो आपके पास जो इधर जो न्यूरो ट्यूब्यूल्स होते हैं ठीक है के सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेल बॉडी के अंदर इनका काम क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल प्रोटीन सेंथिसिस हो गई है और प्रोटीन सेंथिसिस की जरूरत जो है वो इस पार्ट में है तो ये जो न्यूरो फेब्रिल्स uh, होते हैं विच आर द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब दे विल ट्रांसमिट दीज प्रोटीन्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर विद इन द साइटोप्लाजम इसके बाद जो है आपके पास दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है डेंड्राइड्स ये जो वर्ड है डेंड्राइड बेसिकली ये ग्रीक वर्ड uh, डेंड्रोन से निकला जिसका मतलब है ट्री तो अगर आप गौर से देखें तो आपको कुछ ट्री लाइक -like ब्रांचज नज़र आएगी सेल बॉडी के uh, साथ तो बेसिकली जो सेल बॉडी का सैटोप्लाज्म है ये इसके एकस एक्सटेंशनस हैं जो आगे जाकर ब्रांच हुई है ट्री लाइक -like ब्रांचेस हैं ठीक है सो दे आर द शॉर्ट एंड थिन हाईली ब्रांच सैटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन एक सैटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी दैट टेपर्ड फ्रॉम बेसिस टू दिय फ्रॉम बेसिस टू दे टिप्स ठीक है ये अपने बेसिस से टिप्स की तरफ जो है वो टेपर करते हैं ठीक है इनकी ब्रांचेज हैं टेपरिंग करते हैं ठीक है एंड बेसिकली ये जो साइटोप्लाजम है ये इसकी ही जो है वो एक्सटेंशन हैं, ठीक है अच्छा जी द फंक्शन ये क्या करते हैं कंडक्ट एम्पल्स टू द सेल बॉडी जो इंफॉमेसन डेंड्राइज को आती है यह अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेल बॉडी को देते हैं इसके अलावा एग्जोन्स ऑफ अदर न्यूरो फॉर्म साइनएप्स विद द डेंड्राइड्स जहाँ पर यह वर्ड सैनएस होगा इसका मतलब जंक्शन और कनेक्शन यू you नॉर्मेल know, well, आपकी बॉडी के अंदर आ, जो है वो न्यूरो मौजूद होते हैं न्यूरोज आप किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो एक न्यूरोन का जो पूरा एग्जोन होगा ये अटैच होगा दूसरे न्यूरो के डेंड्राइड के साथ यानी कि डेंड्राइड जो है वो साइनेप्स भी बनाते हैं दूसरे न्यूरोन्स के एगजोन के साथ प्लस ये एम्पल्स भी कंडक्ट करता है फ्रॉम अदर न्यूरोस टूअर्ड तो द सेल बॉडी और फिर यहाँ से एगजोन की तरफ वो एम्पल्स आती है फिर ये एग्ज़ोन दूसरे न्यूरोन के डेंड्राइड के साथ अटैच होगा ठीक है लास्ट जो कंपोनेंट है वो आपके पास है एक zone. अगर हम हाँ कंपैरिजन करें तो आपके पास जो है डेंड्राइड्स के बिल्कुल अपोजिट एक लॉन्ग फाइबर मौजूद है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ अ लॉन्ग फाइबर ठीक है ये शॉर्ट फाइबर्स हैं ये आपके पास एक लॉन्गेस्ट फाइबर है ठीक है एंड इट इज़ अ थिक नर्व फाइबर एज कंपेयर टू डेंड्राइड कंपेरिजन करें तो ये शॉर्ट और थिन है शॉर्ट एंड थिन जबकि ये लॉन्ग एंड थिक फाइबर है ठीक है जिस तरह से डेंड्राइड्स आपके पास एक ग्रीक वर्ड है सिमिलरली एग्जोन इज अ ग्रीक वर्ड विच मींस एक्सिस एज यू नो इट इज प्रेजेंट एन द एक्सिस एक्सिस सेंट्रल पोर्शन ठीक है ये आपके पास सेल बॉडी है बिल्कुल सेल बॉडी के साथ ये एक मेन एक्सिस जो है वो बना रहा है ठीक है इसलिए उसको हम कहते हैं एक्जोन और एक्सिस साइज जो है आपके पास एक टिपिकल एग्जोन का उसका डायमीटर तकरीबन वन माइक्रोमीटर तक होता है जितने भी एग्जोन्स होते हैं टिपिकल वन माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है लेकिन ये अपने लेंथ में वेरी करते हैं फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू अ मीटर ठीक है या तो एग्जोन आपके पास ब्रांचड होते हैं या अनब्रांच होते हैं इसका क्या मतलब है कि या तो इनके टर्मिनल एंडस होंगे जिसके साथ वो दूसरे न्यूरोन के साथ कनेक्ट होगा या फिर क्या होंगे ये अनब्रांचड होंगे जिस तरह से इंटर न्यूरो हैं उनका कोई एग्जोन नहीं है बल्कि एग्जोन के कोई ब्रांचेज इतने नहीं हैं वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड में है ठीक है इसके अलावा दो और चीज़ें हैं जो एक्जोन के साथ रिलेटेड है अगर आप एग्जोन को देखें गौर से ठीक है थीके? तो एग्जोन का जो है वो मेम्ब्रेन भी है और एकजोन के अंदर आपको फ्लूड भी नजर आएगा ये जो फ्लूड पोर्शन है ये इसका साइटोप्लाजम है जिसको हम कहते हैं एग्जोप्लाजम ठीक है नाम आपने वही लगाना है एग्ज़ो और साथ में आपने प्लाज्म लगाना है तो ये क्या बन जाते हैं साइटोप्लाजम ऑफ द एग्जोन नॉन एज द एग्ज़ोप्लाजम इसके बाद Uh, जो अंदर है, आपको फ्लूड पोर्शन नजर आ रहा है इट इज़ एक्चुअली द सैटोप्लाजम ऑफ द सॉरी ये जो आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है ठीक है इसका ये कवरिंग जो है एक की इट इज़ एक्चुअली द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एक् जोन विच इज़ नोन एज द एग्जोलेमा जिसको हम एग्जोलेमा कहते हैं लेमा जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है शीट तो बेसिकली आपके पास ये जो आउटर मेम्ब्रेन है एक का वो क्या है इसका सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या कहते हैं Uh, इसको हम कहते हैं एग्जोलेमा जबकि इनसाइड द एग्ज़ोन देर इज़ अ फ्लूड पोर्शन विच इज एक्चुअली द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग्जोन विच इज नोन एज द प्लाजम